हाजिर हूँ मैं यानी तनवीर शेख आपके अपने यूट्यूब चैनल KMRPN पर। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और यहाँ पर भी आप इस फोटो में देख सकती हैं, ये वीडियो इन दिनों बहुत ही वायरल हो रहा है, ठीक है। और इसमें यही बताया जा रहा है कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी श्रम कार्ड में जो अकाउंट लिंक है उस अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने पैसे भेज दिए हैं या नहीं भेजे हैं, कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने भी इस वीडियो को देखा था और मैंने भी इस तरीके से चेक करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे चेक नहीं होता है। यहाँ पर चेक करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, क्या ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से लिखा के आता है कि यहाँ पर आपके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि रजिस्टर्ड है, मेरा ही बैंक अकाउंट है उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और भी लोगों का मैंने चेक किया है उनका भी रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरीके से लिखा के आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से आप चेक नहीं कर सकते हैं, यह बिल्कुल फेक वीडियो है। फेक वीडियो बनाने वालों को क्या बताऊँ मैं, उनकी मर्जी है, वो बना रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप देख रहे हैं। दोस्तों आपको ये मैसेज झूठ लग रहा होगा, आइए मैं आपको चेक करके बताऊंगा क्या ये चेक होता है या नहीं होता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दिए ताकि ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहां पर क्रोम ब्राउजर में जाकर आपको सर्च करना है, यहां पर सर्च बार में लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है PFMS, इतना लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिख कर सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आने वाला है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नाउ योर पेमेंट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर आपको डालना है अपने बैंक, कौन सा बैंक है आपका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा डालने के बाद नीचे आपको डालना है आपको अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, उसके बाद फिर से आपको नीचे वही नंबर सेम डालना है, ठीक है, गलत नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऊपर कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है 77749 57, ये आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर। देखा फ्रेंड, इस तरीके से आप जो है चेक नहीं कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में यानी बैलेंस आए हैं या नहीं आए हैं स्टैम्प कार्ड द्वारा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तनवीर शेख आपको फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।